सब मिलेगा zoomtv.in the only rock star we have right now in this country. के मुंह से निकले ये तारीफ के बोलना तो शाहरुख खान के लिए है और ना ही अपने डायरेक्टोरियल वेंचर 30 मार्क खा के हीरो अक्षय कुमार के लिए, बल्कि फराह के रॉक स्टार हैं सलमान खान। सलमान, यू आर माय रॉक स्टार, यू आर द ओनली रॉक स्टार वी हैव राइट नाउ इन दिस कंट्री। जी हाँ, दबंग बने सलमान ही हैं वो 30 मार्क खा जिसकी दोस्ती का दम अब फराह भी भर रही है। वही फराह जो शाहरुख खान की सबसे क्लोज मानी जाती रही हैं, और वही फराह खान जिन्होंने अपनी फिल्म का हीरो बनाया है अक्षय कुमार को। लेकिन फराह एक डायरेक्टर से पहले हैं कोरियोग्राफर। बस दबंग के जबरदस्त आइटम नंबर मुन्नी बदनाम में उनका यही कोरियोग्राफर वाला रोल उन्हें ले आया है सलमान खान के और भी करीब। उसमें ऑब्वियसली सोने पे सुहागा सलमान भी कूद जाते हैं गाने के अंदर। इरेसिस्टिबल तो सलमान और फराह की ये दोस्ती भी होने वाली है, क्योंकि सलमान जब जब अपने कुछ खास दोस्तों के साथ आते हैं तो मजाक उनके दुश्मनों का ही बनता है। In fact, Main Hoon Na and the other one, what's the name? Om Shanti. I was supposed to do those. The part twos will have it. ये नज़ारे थोड़े पुराने जरूर हैं, लेकिन इन्हें देखकर ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि सलमान यारों के लिए यार है, और फिर इस यारी को दिखाने के लिए फराह ने भी कमी नहीं की। मुझे अरबाज ने दबंग के गाने सुनाए और मुझसे कहा कि आप एक गाना कोई भी चूज करो जो आपको करना है, तो मैंने मुन्नी बदनाम वही चूज किया। कोरियोग्राफर के तौर पर ये एक गाना चूज करके फराह ने एक तीर से कई चीजों पर निशाना लगाया। पहला, सलमान से उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। दूसरा, फराह ने बना ली मलाइका के साथ सुपरहिट आइटम डांस नंबर्स की हैट्रिक। मलाइका और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अब तक 100% रहा है। मुझे बहुत मजा आया। फराह हैज बीन देयर एंड शी इज समबडी आई वर्क्ड विद बिफोर on many occasions. So फिर से हमारी जो एक टीम है फिर से वापस आई इस गाने के लिए। मैं सोचती हूँ कि मुन्नी के साथ मतलब हमारी हैट्रिक कंप्लीट होगी। की परफॉर्मर एंड कोरियोग्राफर के तौर पर केमिस्ट्री बेशक काफी अच्छी रही हो, पर देखिए सलमान को रॉक स्टार कहने वाली फरहा का सल्लू मियां को कोरियोग्राफ करने पर क्या कहना है। सलमान को कोरियोग्राफ करना बहुत ही अलग हमेशा रहता है, क्योंकि सलमान मुझे कोरियोग्राफ करता है। उसने जो धमाल किया है गाने में आके फिर कुछ अतरंग ही कर रहा था अपना। सलमान को कोरियोग्राफ करने में फराह को भी वही मुश्किल हुई है जो दूसरे कोरियोग्राफर्स को होती है। Simple sir, for you, for us difficult sir, that from down you come up. So you have your own style. Whose style is better? What sir? Whose style is better? पर मुन्नी बदनाम में सलमान ने कुछ ऐसा फ्री स्टाइल डांस किया है कि ना तो कोरियोग्राफर फराह खान को कोई शिकायत है और ना ही मलाइका को ही कोई प्रॉब्लम है सलमान के इन अल बेले डांस स्टेप से, जो मुन्नी बदनाम के शूट के दौरान देखिए किस बुरी तरह रिक्शे से नीचे गिर पड़ी। I couldn't believe that in the, you know, the middle of a take that has happened to me, but the truth of it, I got very badly hurt. But now when I see that shot, I said, काश लोगों को पता चले कि actually what happened behind that shot. मुन्नी बदनाम हुई कि इस मेकिंग में साफ नजर आ रहा है कि सलमान और मलाइका के साथ मिलकर फराह खान ने आइटम नंबर में कैसे जान डाली है। लेकिन फराह और सलमान के इस एसोसिएशन से फराह के मुंह से सल्लू मियां के लिए जो तारीफ के बोल निकले हैं, वो कई फराह के पुराने दोस्तों को हर्ट ना कर दे। सलमान, यू आर माय रॉक स्टार, यू आर द ओनली रॉक स्टार वी हैव राइट नाउ इन दिस कंट्री। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई।